आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ्स। चैप्टर है हमारा इवन और ऑड नंबर। अब इवन और ऑड नंबर होता क्या है पहले हम वो सीखते हैं। फर्स्ट हम समझेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, ठीक है? फर्स्ट हम समझेंगे इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या फिर 2 से डिविजिबल हो जाए। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, मेरे पास एक नंबर है 4। अब ये 4 इवन है या ऑड है? ये नंबर इवन है। मैंने कैसे पता लगाया? मैंने इसे बताया क्योंकि 2 के टेबल में आता है 4, 2 2 4। तो ऐसे कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में आते हो बस वो कौन सा नंबर कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। अब ऑड नंबर क्या होता है? अब ऑड नंबर क्या है? ऐसे कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं बस वही क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। अब जैसे हम नंबर ले लेते हैं 4 5 6 7 2 और 1, ठीक है, 1 भी ले लेते हैं। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि इवन क्या है और ऑड क्या है। अब देखिए 2 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता, तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। अब 2 के टेबल में क्या 2 के टेबल में 2 आता है? आता है, इसलिए क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अब 2 के टेबल में 4 आता है? आता है, तो ये भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अब क्या 2 के टेबल में 5 आता है? आता है, तो वो क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी ऑड नंबर हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 6 आता है? आता है, इसलिए क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अब 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है, इसलिए क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। अब और बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम और बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं इवन। अब जैसे हमने लिया था 1 डिजिट का, अब हम ले लेते हैं 2 डिजिट का। अब जैसे नंबर है 24 25 26 27। अब जैसे ये नंबर है, हमें इस नंबर सिस्टम में क्या देखना होता है? लास्ट डिजिट देखनी होती है। लास्ट डिजिट क्या मतलब? वंस की प्लेस देखनी है सिर्फ और सिर्फ। किसकी प्लेस देखनी है हमें इसमें? वंस की प्लेस, वंस 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 की प्लेस देखनी है सिर्फ। आगे कोई भी नंबर हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने बड़े नंबर हो सिर्फ और सिर्फ किसकी प्लेस देखनी है आपको? वंस की प्लेस देखनी है। अब वंस में देखिए 4 है। अब क्या 4 2 के टेबल में आता है? आता है, तो ये इवन नंबर हो गया। अब 5 है। अब 5 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसलिए क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। अब 6 2 के टेबल में आता है? आता है, इसलिए क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अब 7 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, इसलिए क्या हो गया? ऑड हो गया। और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 2 डिजिट ले लिया हमने, अब ले लेते हैं 3 डिजिट। ओके, 3 डिजिट पे कैसे करते हैं? नंबर है 4 3 4 2 7 2 7 2 1 और 6 3 5। ये एक नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था सपोज लास्ट की प्लेस देखनी है किसमें? इवन और इवन और ऑड में। लास्ट की प्लेस मतलब वंस की प्लेस, लास्ट की प्लेस मतलब वंस की प्लेस, या फिर कह लो स्टार्टिंग की प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस मतलब वंस की प्लेस देखनी है सिर्फ आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देखा है तो लास्ट प्लेस हमारे से लेफ्ट हैंड से चलेंगे तो राइट, लेफ्ट हैंड से चलेंगे तो लास्ट प्लेस ये है, और राइट हैंड से चलेंगे तो लास्ट प्लेस हमारी ये वाली होगी, मतलब 100 की होगी। मतलब फर्स्ट लेते चलिए, फर्स्ट प्लेस से चलेंगे मतलब वंस से होगी। हमें क्या देखनी है? वंस की देखनी है। अब वंस पे देखिए यहाँ पे 4 है। अब 4 क्या 2 के टेबल में आता है, इसलिए क्या हो गया? इवन हो गया। अब 2 है, 2 क्या है? वंस 2 के टेबल में आता है, इसलिए क्या हो गया? इवन हो गया। अब 1 है, 1 के 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसलिए क्या हो गया? ऑड हो गया। अब अगेन 5 है, 5 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, ये भी इसलिए क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा? इवन और ऑड किसके लिए? 1 डिजिट में, 2 डिजिट में और 3 डिजिट में, ठीक है। सिमिलरिटीज ऐसी होगा 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, सिमिलरिटीज ही होगा। आपको सिर्फ किसकी प्लेस देखनी है? वंस की प्लेस देखनी है। अगर वंस की प्लेस पे, अगर वंस की प्लेस पे 2 नंबर जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है तो मींस वो इवन नंबर। अगर कोई नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है इट मींस दिस इज बी अ ऑड नंबर। सो ओके, थैंक यू।